के पास सबसे अहम फरीसा नमाज की अदायगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मुकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज है और मेहरबान है। जिया हाजिर महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही, ये बंदे कहीं इस फरीसे से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम व मंदूब है। नमाज के बगैर नहीं तो ईमान तकसीब है और नहीं इस्लाम का सफीर अली वकार। अल्लाह की रजा का सबक नमाज, ईमान का चुस्त नमाज, बदन की तहत नमाज, अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल नमाज। फर्ज ये कि नमाज मोमिन की मेराज है, दीन का सुकून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है, उनके नकीर के सवाल का जवाब है, तो फिर तो नमाज कायम करो। बेशक नमाज ही उनके नकीर के सवाल का जवाब है। सजदा इश्को तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है के हम सबको नमाजों और सजदों के जरिए रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो फिर तो नमाज कायम करो, कहीं तुम्हारा हशर भी नबूत, फिरौन, कारून और हमान जैसे बदबख्तों साथ ना हो। नमाज कायम करो, क्योंकि यही मोमिन की मेराज है, दीन का सुकून है और चेहरे का नूर है। बस अपने किरदार का तू गासी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे ऐसी तू पासी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाए के बस दे अपनी शर्त, ये है के पहले वासी बन जा। वाह 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 वाह।